पाठ्यक्रम में हम जहाँ पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और पाठ्यक्रम का हमने क्या अर्थ होता है जो कि करिकुलम से संबंधित है, किस तरह से दौड़ का मैदान है, धावक जिस तरह से दौड़ के मैदान में दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से जो उसकी विषय वस्तु होती है, जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करते हुए किस तरह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम को करिकुलम दौड़ का मैदान कहा गया है। इसी क्रम में हमने जैसे जो पाठ्यक्रम के अर्थ को समझा है और उसके व्यापक अर्थ को समझते हुए हमने पाठ्यक्रम की समस्त परिभाषाएं हैं उन्हें भी लिख लिया है। अब मैं आपको जैसे कई बुक्स में हम ये भी देखते हैं कि कहीं पाठ्यक्रम लिखा होता है, पाठ्यक्रम कहीं पाठ्यचर्या, या और कहें कि पाठ्य वस्तु या पाठ्य या कोई विषय वस्तु, इस तरह से पाठ्य वस्तु। देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर लिखने को एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाता है इसे, तो हमें यहाँ यह समझना है कि इनमें अंतर क्या होता है। एक तरह से जैसे पाठ्यक्रम को तो मैंने बहुत भली भांति से स्पष्ट कर ही दिया है, इनके जो अंग्रेजी के नाम है और क्या कहते हैं उन्हें वो भी मैं लिख देती हूँ। जैसे पाठ्यक्रम है इसको करिकुलम या शिक्षा क्रम भी कहा जाता है, जैसे हिंदी में एक और नाम है इसका शिक्षा क्रम, और जो इसका अंग्रेजी रूपांतरण है करिकुलम इसी तरह से जो पाठ्यचर्या है इसको पाठ्य विवरण भी और कहा जाता है, और ये पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्या ही है जिसे हम अब तक बोलते आए हैं, समझते आए हैं कि हमारा क्या सिलेबस है, हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, कौन सी विषय वस्तु पढ़ेंगे, या एक तरह से कौन से विषय का क्या सिलेबस है, इसी का उपयोग आज तक हम करते आ रहे हैं, उसी से संबंधित ये है पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण, जिसको हम जिसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस ही हम आज तक इसे जैसे जो पाठ्यक्रम है उसको हम किससे जोड़ते आए हैं, सिलेबस से जोड़ते आए हैं, लेकिन इसका अर्थ तो क्या है करिकुलम है, और पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण क्या है सिलेबस है, क्या अंतर है वो भी अभी मैं बताऊंगी। इसी तरह से जो पाठ्य वस्तु है इसको और हम अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु भी कह सकते हैं, अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु। दोनों और नाम इसके बोले जा सकते हैं, और अंग्रेजी रूपांतरण में भी इसका जो नाम है तो स्टडी मैटर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, और इसी तरह से कॉन्टेंट्स भी इसे कहा जाता है, या कॉन्टेंट्स CONTENTS। ये आई है यहाँ इन पर, है ना, स्टडी मटेरियल या कॉन्टेंट्स, इस तरह से ये इनका अंग्रेजी रूपांतरण है। तो जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं पाठ्यक्रम का अर्थ एक तरह से सिलेबस, वो सिलेबस पाठ्यक्रम का नहीं पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण का अंग्रेजी रूपांतरण है, पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है करिकुलम, और दूसरा और हम इसे क्या कहेंगे शिक्षा क्रम। एक तरह से इनमें जो अंतर है उसे मैं बता देती हूँ, पाठ्यक्रम तो हमने पढ़ ही लिया था, फिर भी और मैं एक बार बोल के बताऊंगी कि एक तरह से पाठ्यक्रम क्या है, बड़ा है और व्यापक रूप से है,
एक तरह से कहें कि विद्यालय में या विद्यालय में के बाहर भी या विद्यालय में साथ चलने वाले समस्त सहगामी क्रियाएं भी किस तरह से बालक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ विद्यालय के समस्त अनुभव के साथ जो भी ज्ञान प्राप्ति करता है वह समस्त तो किसमें आता है, पाठ्यक्रम में आता है। इसी दृष्टि से जैसे इसको समझें पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण अपने विषयों से संबंधित ज्ञान से होता है, उन्हीं के ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित होता है, जिसे विद्यार्थी अपनी कक्षा या एक शैक्षणिक अवधि में, निश्चित शैक्षणिक अवधि में, कक्षा में या जिस स्तर में वह पढ़ रहा है उस स्तर में कितनी समस्त विषयों के किस ज्ञान की प्राप्ति उसे करनी है, एक निश्चित समयावधि में, निश्चित शैक्षणिक अवधि के दौरान क्या और कितना उसे सीखना है, वह सब इसमें आएगा पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण या सिलेबस में। जिस तरह के हमारे जो 5, 6, 7 जो भी विषय होते हैं उनमें जो भी उनका पाठ्यक्रम में होकर क्या पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण होता है उसका अध्ययन हम करते हैं, वह क्या होता है, सिलेबस होता है। इसी तरह से अंतर इन्हीं दोनों में पूछा जाता है, लेकिन हमें इसको भी अलग से बताना होगा क्योंकि ये इसी का एक छोटा रूप है। जैसे जो पाठ्य वस्तु, जैसे जहाँ समझ में आ रहा होगा अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु, जो भी हमारी ये विषय है उनको हमें पढ़ाया जाता है, उनका ज्ञान हमें दिया जाता है कि कितना ज्ञान उनमें हमें लेना है, क्या कितना सीखना है। उसी दृष्टि से एक छोटी विषय वस्तु, या कहें कि जैसे किसी कक्षा के दौरान, किसी एक कालांश के दौरान, इस तरह से कितनी विषय वस्तु है या कितनी अध्ययन सामग्री है जो विद्यार्थियों को सिखाई जानी है। तो ये पाठ्य वस्तु या अध्ययन विषय वस्तु क्या है, इन्हीं के कथन या मुख्य बिंदु होते हैं जिनके माध्यम से इस समस्त विषय वस्तु को बालकों तक संप्रेषित किया जाता है। तो यह पाठ्य वस्तु सबसे छोटे रूप में है और एक तरह से जैसे शैक्षणिक अवधि के दौरान कितने विषयों का क्या विवरण या एक तरह से किस तरह का ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है उस शैक्षणिक अवधि के दौरान, तो वह क्या होगा, सिलेबस, पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण। और एक विस्तृत व्यापक अर्थ में करिकुलम है जिससे विद्यार्थी अपने मुख्य लक्ष्यों की ओर पहुंचता है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार विद्यालय के समस्त अनुभवों के साथ वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। जैसे और मैं बता देती हूँ कि पाठ्यक्रम या जो पाठ्यक्रम है वह बड़ा और व्यापक होता है और इसके एक व्यापक संप्रत्य के अंदर या भीतर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कक्षा के अंदर व बाहर आयोजित होने वाली जो भी पाठ्य और पाठ्य सहगामी समस्त क्रियाएँ हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं और विद्यार्थी विद्यालय के अनुभव से इन्हें प्राप्त करता है। और कहें कि जैसे पाठ्यक्रम विद्यालय से प्राप्त किए जाने वाले संपूर्ण अनुभवों का योग है। इससे पहले भी मैं पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट कर चुकी हूँ, जो विद्यार्थी के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उसके व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक होता है। वही जो पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण या सिलेबस है वह पाठ्यक्रम का ही एक भाग माना गया है क्योंकि विद्यालय के माध्यम से ही, कक्षा के एक शैक्षणिक जो सत्र है उसके दौरान उसे क्या ज्ञान प्राप्त करना है, कितना सीखना है, तो वह किसका अंग है, पाठ्यक्रम का ही एक भाग है, अंग है। तो वह बालक पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण के माध्यम से सीखता है, तो यह पाठ्यक्रम का ही एक भाग है। एक प्रकार से विषय विवरण को यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार के विषय में किस तरह के ज्ञान को समाहित किया गया है, तो इस तरह के विषय विवरण को यह प्रस्तुत करता है जो विद्यार्थी को यह बताता है कि एक निश्चित समय अवधि में या शैक्षणिक सत्र के दौरान उसे क्या और कितना सीखना है। मूलतः पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या शैक्षिक अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक रूपरेखा या सारांश है कि किस तरह से जो समस्त विषय हैं उनके ज्ञान क्षेत्र को किस तरह से विद्यार्थियों तक संप्रेषित करना है, क्या क्या उन विषयों के अंतर्गत ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है, उनका चाहे वह शैक्षिक हो या शैक्षिक से संबंधित या प्रशिक्षण से संबंधित है, उन समस्त कार्यक्रमों में की जाने वाली जो समस्त विषयों को सम्मिलित किया गया है
उनकी एक तरह से मुख्य रूप से रूपरेखा या एक तरह से उनका ये सारांश होता है। एक पाठ्यक्रम कई पाठ्य विवरणों का समुच्चय हो सकता है, जैसे ये पाठ्यक्रम है कई सारे सिलेबस उसमें हो सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। यह एक उन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक भाग ये होता है जिससे उन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक स्तर हम जैसे पूर्ण कर पा रहे हैं इस दृष्टि से। और विषय वस्तु जो हमने अभी पढ़ी है और बता रही हूँ इसके बारे में कि जैसे हम कहते हैं एक पाठ्यक्रम कई पाठ्य विवरणों का समुच्चय होता है, या किसी पाठ्य विवरण की विषय वस्तु को अधिशासी निकाय जैसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन या विभाग के अध्यक्ष आदि के द्वारा विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित या सूचीबद्ध किया जाता है, जिसे विद्यार्थी एक स्तर तक योग्यता प्राप्त करने के लिए समझ सकें। पाठ्यक्रम का संबंध है जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक आदि सभी पहलुओं से होता है, जबकि पाठ्यचर्या या जो पाठ्य विवरण है इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पहलू से होता है। जैसे कि सभी विद्यार्थी जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं तो उन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को पढ़ा है, एक तरह से समस्त रूप से जो सभी पक्ष हैं बालक के संतुलित विकास में सहायक होते हैं। तो पाठ्यक्रम तो समस्त संतुलित विकास में सहायक होता है, उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का विकास करता है, लेकिन जो पाठ्यचर्या पाठ्य विवरण है वह उनके ज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है, क्योंकि समस्त विषयों का ज्ञान उनसे संबंधित होता है। इसी तरह से अब हम पाठ्य वस्तु की जो बात करें, जो कि विषय वस्तु या अध्ययन वस्तु है अथवा कहीं स्टडी मटेरियल या कॉन्टेंट्स हैं, तो यह पाठ्य वस्तु क्या इंगित करता है कि किसी निश्चित अवधि में, निश्चित टर्म में पाठ्य सामग्री का कौन सी जो पाठ्य सामग्री या एक तरह से अध्ययन वस्तु विषय वस्तु है जिसका शिक्षण करवाना है या किस प्रकार उसे पढ़ाया जाना है। इसमें प्राय कक्षा में अध्ययन करने के लिए जो भी विषय का विस्तार है कि विषय को कई पॉइंट्स हैं, कई उनके कथन बिंदु हो सकते हैं, उनके माध्यम से विषय के विवरण को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से कक्षा के अध्ययन करने के लिए विषय का विस्तार का क्षेत्र क्रम उपलब्धियाँ जो भी हैं या जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो सब किसमें आते हैं, पाठ्य वस्तु में ही आते हैं। इस पाठ्य वस्तु के माध्यम से ही पाठ्यचर्या पाठ्य विवरण को पूर्ण किया जाता है। तो इस तरह से हमने इन तीनों को अलग अलग क्रम में समझ लिया है कि किस तरह से जो पाठ्यक्रम है पाठ्यचर्या से किस तरह से अलग है, ऐसे ही पाठ्य वस्तु है जो इसी का भाग है वो इससे किस तरह से भिन्न है। इस दृष्टि से हम तीनों को, जैसे तीनों अगर हमसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर पूछे जाते हैं तो पहले हम पाठ्यक्रम को स्पष्ट करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, ठीक तरह से पूर्ण रूप से इस तरह से उसको स्पष्ट करेंगे, फिर पाठ्यचर्या पाठ्य विवरण सिलेबस लिखकर उसके बारे में हम पूरा बता देंगे, फिर पाठ्य वस्तु के बारे में बताएंगे। तो तीनों का अलग अलग लिखने से ही एक तरह से वो अंतर स्थापित हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि किस तरह की इनकी कॉन्सेप्ट है और वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, जैसे कि पाठ्य विवरण और शिक्षा क्रम, इसमें फिर हमें अंतर लिखने हैं, इसको केवल इसके लिखकर बताना है कि क्या ये है, फिर अंतर हमें इन दोनों में लिखकर बताने हैं। जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पहली लाइन लेंगे हम, जैसे पाठ्यक्रम में पहले हम जो पहला अंतर है वो लिखेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के आदर्शों, उसकी आवश्यकताओं तथा शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज
आज की आवश्यकताओं अतिक्रम का निर्माण समाज की आवश्यकताओं उसके आदर्शों तथा उसके आदर्शों तथा शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इसी तरह से अब जो पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण की हम बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का ही एक भाग होता है। जैसे एक उदाहरण देकर भी हम स्पष्ट करें, क्योंकि सामान्यतः हमारे क्लास से ही संबंधित है। जैसे हम कर रहे हैं बीएड या बीएससी बीएड या बीएड, जिनका जिस पूर्ण जैसे पाठ्यक्रम का जो पूर्ण लक्ष्य है एक तरह से किस तरह से शिक्षक या अध्यापक बनकर हमें समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो ये तो एक पूर्ण व्यापक लक्ष्य हो गया जो पाठ्यक्रम का, जिसमें किसी आधार पर एक तरह से निर्माण किया गया है कि समस्त वर्षों में हमें किस तरह से किस तरह के पाठ्य विवरण को पढ़ना है। तो एक व्यापक प्रत्यय हो गया, वो तो पाठ्यक्रम ये व्यापक लक्ष्य हो गया जो समाज की आवश्यकताओं और उसके आदर्शों या उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति को पूरा करने के लिए एक आधार क्या है, इसी का एक भाग क्या है, पाठ्यचर्या है, जो अभी हमने स्पष्ट किया है, जो विषयों से संबंधित है, एक शैक्षणिक अवधि या सत्र में जिसे पूरा किया जाना है। तो इसका निर्माण किसके आधार पर होगा, इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही इसका निर्माण होगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे पाठ्यचर्या, यदि पहला ही अंतर है, इसके पहले अंतर का पहला ही है, पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण, यहाँ दोनों नाम को ध्यान रखते हैं, पाठ्य विवरण, जैसे जिस नाम से भी अंतर पूछा जाए उसी नाम से हम ध्यान रख लेंगे, ये शिक्षा क्रम है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का भी एक पाठ्यक्रम का ही एक भाग है, इसलिए इसका निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है। इसका निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है। अंतर स्पष्ट हो गया कि पाठ्यक्रम का निर्माण तो समाज की आवश्यकताओं के लिए, उसके आदर्शों की पूर्ति के लिए, उसके जो शिक्षण करवाने के विद्यार्थियों को जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए उन्हीं के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है, और पाठ्यचर्या इसी का एक भाग है। तो इसका जो निर्माण किया जाता है वह पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है। इसी दृष्टि से अगला अंतर हम लिखेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण केंद्रीय स्तर के अधिशासी निकायों के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण
पाठ्यक्रम का निर्माण केंद्रीय स्तर, ये दूसरा अंतर हो गया। केंद्रीय स्तर के अधिशासी निकायों द्वारा, अधिशासी निकायों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यचर्य में लिखेंगे, पाठ्यचर्या में जो पाठ्य विवरण है इसका निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं और उन्हें ध्यान में रखकर स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। जैसे स्थानीय जो शिक्षा बोर्ड होते हैं, एक तरह से स्थानीय शिक्षा बोर्ड या विभागाध्यक्ष, विद्यालय स्तर पर भी इसका निर्माण किया जाता है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य विवरण का निर्माण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे जो भी विभागाध्यक्ष है स्थानीय आधार पर स्थानीय निकाय के द्वारा, स्थानीय शिक्षा बोर्ड भी होते हैं, विद्यालय के विद्यालय अध्यक्ष या विद्यालय स्तर पर भी पाठ्य विवरण का निर्माण कर लिया जाता है। इसका जो निर्माण है पाठ्यक्रम का वो केंद्रीय स्तर के अधिशासी निकायों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो पाठ्यचर्या है, पाठ्य विवरण है, इसमें हम अंतर लिख रहे हैं और आगे भी और भी अंतर हमें लिखने हैं, वो अंतर अब हम कल लिखेंगे।